और यहाँ पे अभी हालत देखो, पूरा साफ सफाई दिवाली का चल रहा है। और अपने दिनों चुंटकले मुंटकले और पुंटकले दिनों देखो कितने बड़े हो गए, इतने हो गए। एक जो है और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, तो वो आप नहीं है, बट अभी तीन है अपने पास। तो तीनों यहाँ पे अभी आराम करते हैं। अभी एक्चुअली में हो क्या रहा, अभी बारिश हो रही है तो बाहर काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब चल रहा है भाई। वापी में यार बारिश ऐसी हो गई यार, कभी भी आ रही है कभी भी जा रही है, मौसम ख़त्म ही नहीं हो रहा बारिश का। देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। सो आज के ब्लॉग में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के ब्लॉग में बेसिकली अपने पूरा जो वाइब्रेशन का इशू था, मैंने पूरी बाइक की बॉडी फिर से खोल दी है, जो मेन वाइब्रेशन का इशू था हेड का, वो अपने रेक्टिफाई करेंगे कि ये इतना हिल क्यों रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लिपिंग से हेड पे जो यहाँ पे ऐसा टच होती है, एंड उसके बाद जो ये हिलता है थोड़ा रबर गन से, ये इसमें प्ले है हल्का, देख रहे हो। और ये एक चीज़ यहाँ की, ये क्लिपिंग टूटी हुई है तो अपने को इसका जुगाड़ करना है। तो अभी मैं ये क्लिपिंग तो यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे क्लिपिंग है, बट यहाँ पे आप देखोगे अपने को ये वाला पोर्शन मिल रहा है। तो ये पोर्शन को अपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से पट्टी बना के टाइट करेंगे यहाँ पे और उसके बाद नीचे तरफ भी आपको यहाँ पे एक वो दिखेगा जिससे अपने इसको स्टेडीली टाइट कर सकते हैं ऐसा कुछ पकड़ के, ठीक है। तो ये हेड पोर्शन फिट हो जाएगा, पर हेड पोर्शन फिट होने के बावजूद यहाँ पे आप देखोगे कि इसको अपने को अच्छे से फिट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें प्ले देखो आप एक बार कितना ज़्यादा है। ये देखो ये पूरा फ्रंट हिल रहा है, ये वाला पोर्शन। तो इसको स्टडी करने के लिए अपने को ये यहाँ पे ये देख रहे हो, ये वाले बोल्ट से यहाँ तक एक ऐसी पाइप वेल्ड करनी पड़ेगी, एंड ये बोल्ट पे बोल्टिंग करना पड़ेगा रेडिएटर वाले पे, ताकि कि ये वाला पोर्शन हिले ना। और ये वाला पोर्शन को अपने को कुछ सर्कुलर उसमें थोड़ा ऐसा मतलब कर्व टाइप में अपने को करना पड़ेगा, ताकि कि एक बार इसमें फिट हो जाए ना, तो यहाँ पे फिट हो जाए तो इसको ये जो ऐसा वाला हिलने का चांसेस है ना आगे पीछे वो कम हो जाए। तो वो चीज़ अपने को दोनों बाजू करनी है। देखो यहाँ पे भी है और अपने को एक क्लैंप यहाँ से भी घुमा के पूरा यहाँ पे भी मिलेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस तरफ वाला थोड़ा इजी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेडिएटर के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने को स्पेस मिला। अपने को पहले यहाँ से एक एल ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ से इस पर ऐसा लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, मतलब जेड टाइप में, ठीक है, बिजली रहती है ना वो टाइप में एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ करते हैं अपने, एंड ट्राई करते हैं कि आज ये वाली चीज़ कंप्लीट करें, ठीक है। बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है बट काम नहीं रुकेगा अपना। कुछ ऐसा पट्टी बनाने वाला है यहाँ पे, देखो ये वाला जहाँ पे आपका रेडिएटर अटकता है वहाँ पे यहाँ पे फिट होगा, और ये पूरा जो पोर्शन है बैंड होके यहाँ पे टच होगा, और ये अपने यहाँ पे सब बोल्ट्स को यहाँ पे ये वेल्डिंग करके पक्का कर देंगे इतना चीज़, और इसको मस्त ग्राइंडिंग करके कलर कर देंगे। एंड यहाँ से आप जब टर्न लोगे ना तो आपको देखो ये एकदम प्रॉपर गैप मिलेगा, देखो ये टच नहीं होगा, देख रहे हो एकदम मिनिमम गैप है, ये टच ही नहीं होगा, देख लो है ना गैप, तो ये इतना रहेगा। उसी बाजू से हम ऐसा करेंगे अपने, और इससे क्या होगा इसका जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, इसको सपोर्ट मिल जाएगा, एक सपोर्ट पे नहीं रहेगा तीन सपोर्ट पे रहेगा, तो वो चीज़ हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपना हेडलाइट वाला पोर्शन करेंगे। तो मैं पूरा सिस्टम पूरा वेल्ड कर लेता हूँ, तब तक आप टाइमलेस एंजॉय करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट्स वेल्ड किए, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक ब्रैकेट वेल्ड किया और चेक कर सकते हो, एंड यहाँ पे पूरा ये वाला पोर्शन है ना पूरा कंप्लीट बनाया है कुछ इस तरीके से, जिसका लुक आप खुद चेक करो कैसा आ रहा है। अभी ये पूरा फिनिशिंग होगा अच्छे से। देखो भाई ये ब्रैकेट जो उन्होंने हम लोग को ला के दिया था मीटर स्टे, ये एक्सीडेंटल बाइक का था, और हम लोग ने इसको पूरा कंप्लीट डेवलप किया फिर से, और ये हेडलाइट स्टे भी टूटा हुआ था तो हम लोग ने यहाँ पे क्लैम्प्स बनाए,
ठीक है, क्लैंप यहाँ पे वेल्ड करके बनाया। अभी इसको आपको कट करेंगे, ये देखो ये कितना प्रॉपर क्लैंप हम लोगों ने बनाया, जैसे प्रॉपर बाइक में एकदम टफ है ये। एंड इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने अटका के यहाँ पे ऐसा करके ये लगा के इसको यहाँ पे अपने टाइट कर देंगे। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे टाइट होगा और एक वहाँ पे टाइट होगा। उसके बाद हेडलाइट का जो हिलने का अपना चांसेस है वो एकदम मिनिमम हो जाएगा और एकदम प्रॉपरली हेडलाइट जो है टाइट हो जाएगी, क्योंकि ये सेकंड हैंड लाइट है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आ रही है फिट करने में, क्योंकि न्यू लाइट होती तो सबका क्लैम्प्स बराबर होता, इस पर क्लैम्प सारे टूटे हुए, तो नए नए क्लैम्प्स के लिए नया नया बोल्ट्स वेल्ड करना पड़ रहा है हम लोग को। ठीक है, दूसरी चीज़ ये सारी चीज़ हम लोगों ने एकदम प्रॉपरली वेल्ड किया, देख सकते हो हिलेगा भी नहीं यहाँ से एकदम प्रॉपरली, नो वाइब्रेशन इसमें, मिनिमम वाइब्रेशन है क्योंकि रबर्स यूज़ हुए जहाँ जहाँ पे माउंटिंग्स है, तो वाइब्रेशन बहुत कम रहेगा। जो घर 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 बजती थी ना अपने जब चलाते थे, अपने मोटर लॉक में भी देखा था हम लोग जब गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी बहुत ज़्यादा शेक हो रही थी, इसमें ऐसा नहीं होगा और ये एकदम प्रॉपरली जो है फिट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टास्क रहेगा वो हम लोग का अभी डैशबोर्ड का रहेगा, तो अभी मैं आपको डैशबोर्ड भी उठा के बताऊँ कि मीटर कहाँ पर लगेगा। सो गाइज़ ये वो मीटर स्टे जिसपे पूरा कंप्लीट मीटर असेंबली बैठता है और ये मीटर है, तो अपने को अभी यहाँ पे किस तरीके से करना है बताता हूँ, ये पकड़ भाविक। तो ये जो अपना मीटर स्टे है मतलब सॉरी जो अपना मीटर है वो कुछ इस तरीके से, ये स्ट्रेट है इसका ऐसा, हाँ, और ये लगेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे। एंड इसको फिट करने के लिए अपने को एकदम प्रॉपरली एंड प्रिसाइसली इसको कट करना पड़ेगा पीछे से, एंड फिर ये हेडलाइट निकाल के, हेडलाइट निकालने के बाद अपने को जो नीचे से ये वाला ब्रैकेट है उसको वेल्ड करना पड़ेगा, जो दो पट्टी यहाँ पे टाइट होगी ना वो पट्टी बना के वेल्ड करना पड़ेगा, ताकि के मतलब वाइब्रेशंस ना हो। अगर डायरेक्टली वेल्ड कर दें तो फिर वापस स्टॉक करना रहेगा तो दिक्कत आएगी, तो अपने ये वेल्ड नहीं करेंगे, इस पर पट्टी करके लगाएंगे इस तरीके से, एंड ये वाला काम जो है हो जाएगा, मतलब प्रॉपरली हो जाएगा। तो ये पूरा जो चीज़ें वो मैं कल बताऊंगा, कल के वीडियो में आपको एकदम प्रॉपरली एंड प्रिसाइसली बताऊंगा, क्योंकि अभी रॉ मटेरियल लेने जाना है और बाहर अभी बारिश हो रही है, तो वो अपने कल के वीडियो में देखेंगे। और ये पूरा प्रोपोर्शन एकदम प्रॉपरली फिट करना है अपने को, ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि लुक पूरा इसी से आने वाला है मीटर से ही। अगर एकदम प्रॉपरली प्लेस नहीं किया तो ऐसा लगेगा गिमिक है पूरा और अच्छा लुक नहीं आएगा, बट अपने इसको एकदम प्रॉपरली फिट करेंगे, क्योंकि आप खुद देख सकते हो डैशबोर्ड में इसके लायक स्पेस भी एकदम प्रॉपर जैसा चाहिए वैसा ही स्पेस है इसमें, तो ये अपने फिट करेंगे। और ध्यान भी रखना है कि मतलब खाली इसको तुरंत फिट करके तुरंत निकालना भी पड़ेगा वेल्डिंग करने टाइम, तो ये थोड़ा अपने आराम से ही करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहती है और इसको संभाल के रखना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर एक भी गलती से वेल्डिंग मारने टाइम ये वाला नट पिघल गया तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा अपने को ये, तो वो सारी चीज़ें कल करेंगे अपने। यहाँ पर अपने रखते हैं, ये पुराना मेरे पास खराब R15 V2 का रेडिएटर पड़ा है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि फ्रंट का जो अपना मेजर काम था जिससे गाड़ी का वाइब्रेशन आ रहा था वो भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ने पूरा एक स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर बनाया जिसमें पूरा कंप्लीट जो प्रोपोर्शन मतलब जो पूरा कंप्लीट आगे का फ्रंट पोर्शन है वो हिलेगा नहीं, आप कितने भी खड्डे पे जाओगे तो उसको एकदम प्रॉपर सपोर्ट रहेगा। क्योंकि पहले क्या हुआ था, ऐसा था एक स्ट्रेट पाइप थी उस पर ये कुछ इस तरीके का लगा हुआ था, और जब भी गड्ढे पे जाता था तो हिलता था क्योंकि नीचे उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं था, वो आगे भी हिलता था पीछे भी हिलता था, बट ये अपने वेल्डिंग किए तो क्या हो गया कि इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल गया और एकदम प्रॉपरली देख रहे हो एकदम स्टेडीली है, इस पर भी पूरी बाइक उठ सकती है, देख रहे हो एकदम प्रॉपर एकदम वेल्ड हो गया और अच्छे से इस पर वाइब्रेशन भी नहीं आएगा ये वाली पट्टी पे, क्योंकि वहाँ पे रेडिएटर के वहाँ पे जहाँ पे रबर लगा रहता है वहाँ पे अपने इसको टाइट किए, तो कुछ इस तरीके से स्टॉक बोल्ट के ऊपर ही अपने जो एक क्लिप ऑन टाइप का बना है, अभी खाली अपने को रिमूव करना रहेगा, तो ये बोल्ट खोलेंगे यहाँ पे एक बोल्ट खोलेंगे तो रिमूव हो जाएगा और स्टॉक गाड़ी करना तो स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका जो ओरिजिनलिटी है उसको हम लोग ख़राब ना करें। तो ये वाला पोर्शन पूरा हम लोगों ने आज पूरा वेल्डिंग किया है एंड बैटरी निकाल के पूरा कंप्लीट वेल्ड किया है, तो ये हो गया है। अभी कल जो है वापस से पूरा फाइनल फिटिंग होगा और कल जो है कोटिंग का काम चालू करेंगे शाम तक, और जो भी है कल हो सके तो पैनल को अपने को पूरा घिसना पड़ेगा, क्योंकि पैनल का आपको कंडीशन बता जो हम लोग को मिली थी पैनल की, यहाँ पे आप चेक करो ये कितने ज़्यादा स्क्रैचेस है, एंड ये स्क्रैचेस को घिसने में ना भाई हालत टाइट हो जाएगी एकदम लेवल करने में, तो वो चीज़ है। और एक प्रोजेक्ट पे अपने काम कर रहे हैं आपको बताता हूँ मैं, तो ये अपनी एकॉर्ड है जो मेरे एक फ्रेंड की है, उस पर अपने पीछे स्पॉइलर लगा रहे, एंड स्पॉइलर किस तरीके से बना रहा ना वो भी एक काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो पिलर ले रहे हैं, यहाँ पे एंड यहाँ पे दो पिलर आएगा, उस पर जो है पूरा कंप्लीट ऊपर स्पॉइलर आएगा मस्टैंग के टाइप में, एंड स्पॉइलर कहाँ किस कौन से बेस पे बना रहा हूँ मैं, उसका मोल्डिंग के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो केमिकल्स आते पफ बोलते हैं उसको, दोनों को मिक्स करके मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया है हाफ साइज़ का, हाफ साइज़ इन द सेंस देख रहे हो आप गाड़ी के हाफ साइज़ का ही है, एंड वो गाड़ी के भी हाफ साइज़ का ही है। तो इस पे एक्चुअली मैं ये क्या करेंगे, ये जो कर्व आया है ना वो हम लोग को प्लास्टिक से भी नहीं आ सकता था, पुट्ठे से भी नहीं आ सकता था, तो हम लोग ने इसका यूज़ किया है पफ का, एंड पफ से ये कुछ इस तरीके का केमिकल से अपने ये पफ बनाया है, देख सकते हो
एक मोल्डिंग करके, एंड इस पे जो एकदम प्रॉपर अपने जो लेमिनेशन आता है उसको लगा के इस पे फाइबर ग्लास मार के एकदम प्रॉपरली चीज़ बनाएंगे। बाकी केमिकल्स अपने पास है सारे फाइबर ग्लास के, तो वो सारी चीज़ें अपने करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते कल के वीडियो में, एंड हो सके तो कल फाइनल फिटिंग करके जो है कोटिंग भी कर देंगे अपने, एंड कावासाकी का प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द खत्म होने का है, और बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए कुछ दिनों में आने वाला है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, तब तक के लिए पता है ना क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, पीस आउट।